हमने जो पिछली वीडियो करी थी खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर, हमारे ही एक व्यूअर ने हमसे उस वीडियो को देख के क्वेश्चन पूछा कमेंट सेक्शन से, और वो क्वेश्चन है, खालिस्तान की बात महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से चलती हुई आ रही है, एक बार तुम हिस्ट्री सर्चिंग करो, हु इज दिलीप सिंह। तो चलो मैं इस कमेंट के माध्यम से आप लोगों को दिलीप सिंह के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1838 में महाराजा रंजीत सिंह, जो ऐसा माना जाता है कि सिखों के आखिरी ऐसे एम्परर थे, राजा थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं सिख एम्पायर को यूनाइट करके रखा था, 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। और उसके कुछ ही समय पहले, 10 महीने पहले ही दिलीप सिंह का जन्म हुआ था, मतलब अपने पिता की डेथ के समय उनकी जो एज थी वो केवल 10 महीने की थी। अब इतनी छोटी सी एज में दिलीप सिंह पंजाब का भार अपने कंधों पे तो नहीं संभाल सकते थे। तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, क्योंकि ब्रिटिश लगातार कोशिश कर रहे थे पंजाब को एनेक्स करने की, पंजाब को अपना पार्ट बनाने की, तो पंजाब में काफी उथल पुथल रही थी 4-5 सालों तक रंजीत सिंह की डेथ के बाद। और जिंद कौर, जो महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी और दिलीप सिंह की माता थी, उन्होंने कुछ समय तक पंजाब पर अपना रूल चलाया। कुछ ही समय बाद जिंद कौर को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। दिलीप सिंह की जो एज होती है वो उस समय केवल 5 साल की होती है, और 5 साल की एज में लगभग 1843-1844 तक आते आते दिलीप सिंह को पंजाब में राजा बना दिया गया था सिख एम्पायर का। लगभग ऐसी कहानी जानने को मिलती है कि 15 साल की जब दिलीप सिंह की एज हुई थी, तब उनको लंदन ब्रिटेन भेज दिया गया था। वो अपनी राज गद्दी को पंजाब में छोड़ के लंदन चले गए थे। वहां की रानी का दिलीप सिंह से काफी स्नेह भी था, ऐसा कहा जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि दिलीप सिंह वही थे जिन्होंने जो हीरा था कोहिनूर का, वो भी ब्रिटेन की रानी को दे दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की रानी का भी काफी स्नेह होता था दिलीप सिंह से, एक बेटे की एक पुत्र की तरह। तो फिर दिलीप सिंह अपने आगे के जीवन को उन्होंने वहीं पे स्पेंड करा लंदन में, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी अपना लिया। ब्रिटेन की जो रानी थी वो ने उनके कलर की वजह से ब्लैक प्रिंस भी कहा करती। लेकिन धीरे धीरे दिलीप सिंह को एहसास होता है कि उनका एक घर पंजाब में भी है, सिख एम्पायर भी है, वहां भी लोग उनका इंतजार कर रहे। तो दिलीप सिंह जो होते हैं वो अपना मन भारत में वापस आने के लिए बनाते हैं। ब्रिटेन को वो चीज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए ब्रिटेन जो है वो हर प्रयास रहा था दिलीप सिंह जो है वो कैसे भी करके भारत में ना पहुंच पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम समय तक आते आते वो पंजाब को इंटीग्रेट करने का सपना देखने लगे थे, जो रंजीत सिंह के कार्य में था। लेकिन वो इंटीग्रेशन कभी हो नहीं पाया था। महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो सिख एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन यानी कि विखंडन हुआ, वो फिर दिलीप सिंह के बाद पंजाब के किसी दूसरे राजा के पीरियड में हुआ नहीं था। जैसे कि आप पढ़ते हैं मुगल पीरियड का कोलैप्स औरंगजेब के बाद हुआ था, और फिर वो मुगल पीरियड में काफी सारे राजा आते रहे लेकिन बात नहीं बन पाई थी, जो एक इंटीग्रेशन था एम्पायर का वो नहीं हो पाया था। वैसे दिलीप सिंह के पीरियड में सिख एम्पायर या पंजाब का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 19th century की, ये मैं बात कर रहा हूँ 1860s के समय की। और आप बोल रहे हैं कि दिलीप सिंह के इतिहास तो समझिए, खालिस्तान की डिमांड तो तब से थी। खालिस्तान की डिमांड नहीं थी, लेकिन पंजाब को इनफ इंडिपेंडेंस प्राप्त था रूल करने का। मैंने आप लोगों को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में ये साफ साफ बताया है। आप तो 1850s और 1860s की बात कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ औरंगजेब की डेथ के बाद 1710 की, दिलीप सिंह से पहले के 150 साल पहले की घटना है। तो 1710 में जब बंदा सिंह आए थे, उनके नेतृत्व में जब लाहौर और दिल्ली के बीच में सिखों ने सरहिंद पर कब्जा किया था, तो सरहिंद तो एक बहुत पावरफुल मुगल सेंटर था, और उस मुगल सेंटर पर कब्जा करने के बाद 1710 से सिखों का सेल्फ रूल चालू हो गया था पंजाब पे। उन्होंने अपने खुद की क्वाइन मिंट्स करना चालू कर दिए थे, उन्होंने अपनी खुद की एक मजबूत आर्मी बनाना चालू कर दी थी, उन्होंने अपने खुद के सील्स बनाना चालू कर दिए थे, उन्होंने अपने खुद पत्र लिखना चालू कर दिए थे जिसमें बोला गया था राज करेगा खालसा। तो जो सेल्फ रूल का डिटर्मिनिज्म था वो तो महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा दिलीप सिंह के पहले भी था। आप क्या बात कर रहे हैं कि उनके समय था, मैं तो बोल रहा हूँ उनके पहले भी था। लेकिन मैं आपसे एक इसमें अपनी बात को ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या पास्ट के बेसिस पे प्रेजेंट की डिमांड को रखना जायज है, या प्रेजेंट में डिमांड रखी जा सकती है पास्ट के बेसिस पे? आपके पॉइंट को अगर मैं एक बार वैलिड मान भी लेता हूं कि पास्ट में क्योंकि पंजाब का एक सेल्फ रूल का डिटर्मिनिज्म रहा है, तो उसके बेसिस पे खालिस्तान बनना चाहिए, तो फिर इस हिसाब से तो तमिलनाडु और केरला में भी चोल चेरा और पांड्या का रूल रहा है, और
इनके कंपैरिजन में इन दोनों स्टेट्स में जब इन तीनों डायनेस्टीज ने रूल करा, चोला, चेरा और पांड्याज ने, तो इनकी तो ऑटोनोमी भी ज्यादा थी। और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, चोला चेरा पांड्यास का रूल तो उससे कई सालों पहले से रहा था। उस बेसिस पे तो फिर तमिलनाडु और केरला को भी एक सेपरेट आंदोलन जना देना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो 19th सेंचुरी से पहले जब भारत का इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, तब की बात तो एकदम अलग है। तब तो इंडिया का हर दूसरे स्टेट में आपको सेल्फ गवर्नेंस देखने को मिलेगा। मुगल्स के डिक्लाइन के बाद काफी सारी ऐसी स्टेट्स निकल के आई जो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो बात थी इंडिया के इंटीग्रेशन से पहले की, नेशनल इंटीग्रेशन से पहले की। लेकिन 1947 के बाद जब से इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ है, जब से इंडिया एक यूनियन बना है, तो फिर खुद को अलग करने की स्टेट्स की डिमांड तो एकदम ठीक नहीं है। और पंजाब तो हमेशा से इंडिया का पार्ट रहे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके मौर्य पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, पंजाब हमेशा इंडिया का पार्ट रहे। तो पास्ट के बेसिस पे हम प्रेजेंट की डिमांड, खासकर इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन हो जाने के बाद, ये तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद हम लोगों को सबको पता है। इंडिया एक ऐसा यूनियन है, इंडिया एक ऐसा संघ है, ठीक है, जो स्टेट्स की सहमति के बेसिस पे नहीं बनाए, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका में भी भले स्टेट्स के रजामंदी से उन्होंने एक यूनियन को क्रिएट करा था जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी डिस्ट्रक्टिबल फेडरेशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वहां भी आज की तारीख में स्टेट्स खुद को अलग कर सके। तो 1947 में जब से देश का इंटीग्रेशन हो चुका है, उसके बाद सेपरेटिस्ट डिमांड, ये थोड़ी ठीक मालूम नहीं पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा।